इसमें हम ऐसा करते हैं, तीन तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस टू, ये तो अलग कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस टू, ये अलग कर दिया। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो ना ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा मुश्किल जरूर नहीं है कि आया है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें हमारा ये कट गया, इसमें ये कट गया, तो इसका हो गया माइनस वन अपॉन एक्स, इसका हो गया लोग एक्स प्लस टू। अब इस वाले में तुम पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, या एक्स प्लस वन को वही टी मान लो, है ना, या तो इसको तुम ऐसे लेट करोगे टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर को ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, या फिर इसको यही आसान है वैसे एक्स प्लस वन को टी मान लो, ऊपर एक्स की वैल्यू रख के अलग अलग कर पाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।